Hello everyone, a very warm welcome to Evergreen Mommy Channels. So guys, आज की मेरी जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है और मैंने सोचा कि इस टाइम पे इस वीडियो को बनाना काफी अच्छा रहेगा. और यूं मैं बोलूं कि आज की वीडियो मेरी ये अनप्लान्ड है, मैंने सोचा नहीं था. बट जो फ्रेंड्स हमारे इंडिया के हैं और जो कुछ फ्रेंड्स यहाँ के हैं उनसे हमारी बात हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की पता चली. सो मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाना ही काफ़ी अच्छा रहेगा, सो दैट एक वीडियो के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके. आई नो काफ़ी पेरेंट्स अलर्ट रहते हैं, काफ़ी मॉम्स भी अलर्ट रहती है, बट कभी कभी हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती है. हम ना चाहते हुए भी कभी मीन सोच रहे हैं कि वो शायद नहीं हो, बट वो अनप्लान्ड वो हो जाती है. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मीन्स जो पेरेंट्स मीन्स हस्बैंड वाइफ जो भी जॉब करते हैं वो लोग भी अब घर में ही वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या फिर घर के सभी मेंबर्स अभी घर में ही अवेलेबल है, तो उसी अकॉर्डिंग काम भी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है. आपको घर की भी देखनी है, एक बाहर की मीन्स बाहर की आपकी जो जॉब है आपको उसे भी मेनटेन करना है घर में रह के ही, सो दैट मीन्स हर एक मेंबर्स की अकॉर्डिंग्स आपको उनके खाने का, बच्चे का, मीन्स हाउस होल्ड जो भी हमारे घरों की काम होती है, कैसे मतलब ठीक से सामान को सही जगह पे रखना, सब चीज़ तो टोटल चीज़ पे ध्यान देते हुए बेसिकली हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ें अनदेखा कर जाते हैं. सो मैं इन्हीं टॉपिक्स पे मैं रिगार्डिंग में आपसे मैं कुछ बातें करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है. और ये मेरी भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे भी शेयर करूंगी इस वीडियो के थ्रू. सो गाइस, इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं. सो हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस घर पे लेनी चाहिए? जब हम लोग घर के सभी मेंबर्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़ो. मैं मानती हूँ जो बच्चे 5 साल 6 साल के हैं वो लोग तो एटलीस्ट समझदार रहते हैं कौन सी उन्हें मुंह में लेनी चाहिए, कौन सी उन्हें टच नहीं करने चाहिए. पर जो बच्चे छोटे होते हैं, जो क्रॉलिंग करने वाले बच्चे होते हैं, या जो बच्चे चलने वाले बच्चे होते हैं, मीन्स 3 साल 3 साल के बच्चे लोग को मीन्स समझ 3 साल 3 साल के बच्चे को समझ होती है, बट इतनी भी समझ नहीं होती है कि किसी चीज़ को आप समझाओ तो वो तुरंत ही समझ जाए. सो बेसिकली मेरे कहने की पॉइंट्स ये थी कि अगर आप बच्चे को किसी पे भी छोड़ रहे हो तो वो पर्सन खुद किसी वर्क में इंगेज ना रहे. सपोज करो अगर हम लोग यहाँ पे वर्किंग लोग हैं, आप भी किसी चीज़ में अगर काम में इंगेज हो, आप अपने हस्बैंड पे अगर छोड़ रहे हो तो वो भी ऐसा नहीं कि वो भी पार्टिकुलर उस वर्क में ही वो इंगेज हो जाए. एट अ टाइम अगर आप 15 मिनट्स के लिए आप अगर इंगेज हो रहे हो अपने किचन में या किसी भी चीज़ में, सपोज करो आपने शावर लेने के लिए आपने गए, तो आप अपने बच्चे को उस टाइम के लिए वैसे पर्सन के पास ही छोड़ो जो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जो भी टाइम लगे वो पार्टिकुलर उस बच्चे पे ही ध्यान दे, उसके साथ वो इंगेज रहे. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने कामों में इंगेज हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं पाए, सडनली वो गिर गया या टेबल से ही लग गया. तो ये सब चीज़ों का आप पहली पॉइंट हमारी ये है कि आप इस बातों का आप ध्यान रखना. दूसरी बात ये है कि नेवर लेट्स योर चाइल्ड फ्री नियर लाइट एंड दियाज, कैंडल या अगरबत्ती. हाँ, जिनके मंदिर अगर कुछ मीन्स अगर अच्छे हाइट्स पे अगर बने हुए हैं या कुछ मीन्स अच्छे हाइट्स के अकॉर्डिंग बच्चे वहाँ तक टच नहीं कर पाए तो वो बिल्कुल सेफ है. बट कुछ घरों में मैंने देखा है कि मंदिर्स को वो मीन्स काफ़ी नीचे रखते हैं या फिर एक टेबल पे रख के करते, सो दैट बच्चे की हाथ वहाँ पे पहुँच सकती है. तो अगर वैसी है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चेंज करके कुछ डायरेक्शन चेंज करो. बच्चा आप जिस समय आप वो मीन्स अगरबत्ती या दिया आप जलाओ तो उस टाइम आप बच्चे के पास ही रहो, उसे अकेला नहीं छोड़ो. क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे दिया को पकड़ने की कोशिश करते, उन्हें क्या पता कि ये क्या है या उनसे उनकी हाथ जल जाएंगी. तो इस टाइम पर भी इस चीज़ का आप ध्यान रखना. बी अलर्ट वेन योर किड्स आर नियर बालकोनी और या रेलिंग पे. अगर मीन्स किसी फ्लैट्स में बालकोनी होती है या कहीं पे आप किसी और जगह पर रेंट पे रहो तो रेलिंग्स टाइप की भी रहती है, तो उस जगह पे भी बच्चे को आप बिल्कुल ही अकेला ना छोड़ो. क्योंकि कभी रेलिंग से बच्चे चढ़ने की कोशिश करते हैं और कहीं शायद वो नीचे गिर जाए. और या फिर बालकोनी अगर आपकी अगर मीन्स चारों तरफ से आयरन रॉड से अगर सेफ्टी अगर पैक्ड की हुई है तो
तो फिर डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बट अगर सेफ नहीं है तो उस टाइम भी घर के कोई ना कोई मेंबर्स बच्चे के साथ ज़रूर रहे। क्योंकि मेरी ये वीडियो बनाने की इंटेंशन बस ये थी कि इस टाइम पे प्रिकॉशन लेना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट अगर कोई भी इंसिडेंस वैसा होता है, इमरजेंसी वैसी आ जाती है, तो मीन्स बिना सोचे समझे आपको एनी हाउ आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और इस टाइम बाहर जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। इंडिया में भी केसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, हॉस्पिटल सब इनसिक्योर्ड है, मीन्स अनसेफ है इस समय जाना, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे कोरोना के वायरस इफेक्ट होने का। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल मदर कि आप अपने बच्चों को इस टाइम पे ध्यान दो, और ऐसा नहीं कि कुछ वैसा इंसिडेंस घट जाए सो दैट आपको एनी हो हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। तो इस चीज़ का बेसिकली आप ध्यान रखो। नेवर कीप एनी आइटम्स लाइक सोप हो गए या फिर शैम्पू हो गए या फिर फ्लोर या टॉयलेट्स की मीन्स क्लीनर्स हो गए, आप उसे अंडर सिंक मत रखो, या फिर बाथरूम में ही आप उसे वैसी जगह पे नहीं रखो कि वो बच्चे वहाँ से आसानी से वो शैम्पू की बॉटल्स ले ले या फिर हार्पिक ले ले। मैंने अभी जस्ट एक इंसिडेंस हमारे साथ वैसा हुआ है, मेरे फ्रेंड के साथ थी कि किसी के बच्चे ने हार्पिक की बॉटल्स मींस पी ली हो, और सेम दो दिन पहले ही ऐसा इंसिडेंट हुआ है किसी के बच्चे ने शैम्पू मीन्स मुंह में ले लिया और ड्रिंक कर लिया हो, आफ्टर कुछ देर के बाद उसके गले में मीन्स थ्रोट में पेन होना स्टार्ट हो गया और उसे ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सोचिए इस टाइम में कितनी मुश्किल हो रही होगी बाहर जाना, हमें डर भी है बट हमारे बच्चे के साथ हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते इस टाइम पे, एनी हो हमें बाहर जाना ही होगा। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ऑलवेज कीप मेडिसिन इन सच टाइट बॉक्स, आप ऐसे बॉक्स में रखो कि बच्चे शायद उसे ओपन नहीं कर पाए, बट यू नो ना आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट है, वो आजकल के बच्चे मोबाइल्स के सारे फंक्शन जानते हो, मेडिसिन के भी बॉक्स खोल लेते हैं, अगर टॉनिक की सीसी है तो वो भी अचानक वो खोल लेते हैं। तो इन केसेस में या तो आप उस बॉक्स को फ्रीज के ऊपर रखो या तो फिर आप कबर्ड में डाल दो, और अगर जो बड़े बच्चे मीन साढ़े तीन साल के बच्चे जो है तो आप उन्हें समझाओ कि ये हमारे मीन्स बड़े की भी, ये पापा की, ये दादा की, ये मम्मा की ये मेडिसिन है, आपको नहीं लेनी है, आपकी मेडिसिन देखो ये अलग सी है, आप ये सब बच्चे को डिफरेंस बताओ ताकि उन्हें भी ये समझ में आएंगी। बाई चांस कभी कभी हम लोग इतनी ध्यान नहीं रख पाते, इतनी केयर नहीं कर पाते, कभी हो सकती है एक मेडिसिन की मीन्स अगर होल मेडिसिन की अगर वो टैबलेट्स अगर रखी हुई हो या फिर बॉक्स रखी हुई, कभी हमने खाया वो बॉक्स वहीं पे छोड़ दिया, तो जब बच्चे उस तरफ जाएं तो उन्हें वो ध्यान रहेगी कि मम्मा ने मुझे ये चीज़ बताया या पापा ने मुझे ये चीज़ बताया था कि ये मेरी मेडिसिन नहीं है, मुझे नहीं खानी है, ये बड़ों की मेडिसिन है, मीन्स अदर पर्सन की मेडिसिन है। उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर हिट करेगी। और प्लीज़ आप बच्चे को इस चीज़ के भी डिफरेंस ज़रूर सिखाएं। हाँ, अगर जो छोटे बच्चे हैं मीन्स 1.5 ईयर 1 ईयर या 2 ईयर्स के हैं, उन्हें इतनी समझाने पे वो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं, तो इन केस में आप ज़्यादा कोशिश करो कि बड़े बच्चे जो 3 साल के हो या छोटे बच्चे हो, या किन्हीं किन्हीं घरों में कोई बच्चे 3 साल के होते, कोई बच्चे 2 साल वाले भी होते हैं, 2 बेबीज भी होते हैं, सो उस केस में आप सबसे अच्छी रहेगी कि आप उस मेडिसिन बॉक्स को ही आप कहीं हटा के रखो। मेरी कुछ इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे अभी कुछ रिसेंटली हमारी बात हुई, पता चला कि उनकी बच्ची ने कुछ जो वो मेडिसिन लेती थी उनकी बच्ची ने वो मेडिसिन खा लिया, उस बच्ची की उस मेडिसिन किसी तरह हाथ लग गई और उस बच्ची ने वो मेडिसिन खा लिया, बट प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं हुई। हो सकती थी वो मेडिसिन अगर सपोज़ करो ज़्यादा MG की होती या किसी और चीज़ की अगर होती तो कितनी वो बॉडी को इफ़ेक्ट करती, कहाँ आप बच्चे को लेके जाते। सो इस चीज़ का बेसिकली आप प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान रखो और थोड़ा सा घर में अलर्ट रहो, और साथ ही साथ सभी मेंबर्स को बोलो थोड़ा अलर्ट रहें। हाउस होल्ड टूल्स सच एज हैमर्स हो गए, नेल्स हो गए, या स्क्रू के ड्राइवर्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ हो गए
शुड बी किफ्ट आउट ऑफ देयर रीच, उनके पहुंच से थोड़ा आप दूर रखो। हमारे पास भी मीन्स स्क्रू की टोटल सेट्स है, उसकी नेल्स भी आते हैं, तो मेरी बेटी को जब भी कभी वो हाथ लग जाती है तो वो उस नेल्स के साथ वो खेलना चाहती है, बट हमें इस बात का बिल्कुल ही डर रहता है कि कहीं वो नेल्स को मुंह में ना ले। अगर वो सपोज करो निगल गई या चला गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे कोई व्हीकल भी नहीं है कि तुरंत हम लोग स्कूटी या फिर अपनी फोर व्हीलर गाड़ी ले हॉस्पिटल चले जाए। यहाँ पे हमें बस के लिए, ट्रम के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कभी 5 मिनट्स भी हो जाते हैं, कभी 15 मिनट्स के बाद भी आता है। तो हम लोग बहुत ही सेफ रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी सेफ्टी से अपने बच्चे को रखते हैं। अगर कुछ लगता भी है कि नहीं उस चीज़ से वो खेल रही है, तो या तो मैं या तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल उस पर मीन्स नज़र रखते हैं कि क्या चीज़ वो कर रही है। बाय चांस कभी हम लोग हॉल में भी बैठ के अगर मूवी देख रहे हैं या फिर टीवी या फिर न्यूज़ कुछ भी अगर कर रहे हैं, अगर मेरी बेटी यहाँ से उठ के कभी रूम में चली जाती है तो हम लोग विद इन सेकेंड उसके पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल ही रिस्क लेना खतरे से खाली नहीं है। डू नॉट अलाउ किड्स नियर शॉकेट्स, उन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक शॉकेट्स के पास बिल्कुल ही नहीं रखे। मेरी डॉटर ने भी जस्ट मीन्स मैं आपको आज ये मॉर्निंग की अपनी ही कहानी में बता रही हूँ, इंसिडेंट्स में बता रही हूँ कि मैं अपने किचन में बिज़ी थी और मेरे हस्बैंड कुछ वर्क में बिज़ी थे, अपने ऑफिस के रिगार्डिंग वो वर्क में कुछ बिज़ी थे। मेरी डॉटर ने रूम में जाके आयरन ले लिया और वो उस शॉकेट्स में मीन्स लगा रही थी, उसकी प्लग लगा रही थी, बट बाय चांस क्या मेरा वैसा मन हुआ कि वो दिख नहीं रही है हॉल में वो कर क्या रही है। मैं तुरंत उसके पीछे गई और मैंने तुरंत वो प्लग निकाला, वो आयरन बस हीट होने ही वाली थी, मीन्स लाइट हीट हो चुकी थी। तो सोचिए मीन्स कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती थी अगर वो आयरन उसने हाथ में लगा लेती या फिर पाँव में जल जाते, तो कितनी दिक्कत हो जाती। इस टाइम पे मेडिसिन शॉप पे भी जाना खतरे के खाली नहीं है। नेक्स्ट माई पॉइंट इज़ ट्राई टू कवर शार्प एजेस विद शार्प प्रोटेक्टर। अगर आपके मीन्स सोफा में अगर बीच में सेंटर टेबल लगी हुई है, शीशे की टेबल्स है, अगर वो वुड की हो तो प्रॉब्लम्स मीन्स ज़्यादा नहीं रहती है, बट अगर शीशे की हो उसकी जो शार्प नोक से निकली रहती है सो लग जाना, उस समय सर फ्रैक्चर हो जाना, ब्लड आ जाना, उसमें स्टिचेस की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय हॉस्पिटल जाना या बाहर जाना इस टाइम बिल्कुल ही सेफ नहीं है। अभी मेरे को आए हुए यहाँ पे 4 मंथ्स एटलीस्ट हो गए हैं। मैं आपको जब मैं यहाँ पे आई थी उसके 1 मंथ के बाद ही ये इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ। मेरी बेटी अभी सोफे पे वो जंप कर रही थी और बीच में सेंटर टेबल लगा था, वो ऐसे जंप करके वो उस पर गिरी कि उसकी ये आइस के ऊपर से ये पूरी फ्रैक्चर हो गई थी, काफ़ी ब्लड लॉस हुआ, काफ़ी ब्लड हुआ, बट हमने अपने बच्चे की सेल्फ मीन्स फर्स्ट एड बॉक्स मैंने रखी है, एट अ टाइम मैंने तुरंत बैंडेज अप्लाई किया, बट थैंक गॉड वो ब्लड रुक गई थी, नहीं तो उस टाइम रात के 11:30 बज रहे थे और हॉस्पिटल भी यहाँ से 15-20 मिनट्स दूर है, तो हमें तो काफ़ी डर लग गई थी कि इस टाइम कैसे बाहर जाना। अपनी व्हीकल्स होती है तो बिना सोचे समझे तो आप निकल भी जाओगे, बट यहाँ पे हमारे पास कोई व्हीकल्स अवेलेबल्स नहीं है, तो मैं काफ़ी प्रिकॉशन लेती हूँ, मैं काफ़ी डरती हूँ कि इससे कुछ हो गया तो फिर कैसे क्या हम लोग एट अ टाइम इस टाइम मैनेज करेंगे और कैसे हम लोग बाहर जा पाएंगे। सो बेसिकली मेरे ये पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि मैं कहना चाहती हूँ। जो मेरी यहाँ की एक फ्रेंड है, मीन्स कुछ दिन पहले उससे बात हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे के साथ क्या ऐसा इंसिडेंस हो गया। वो जो इलेक्ट्रिक केटल्स होती है, मीन्स वाटर बॉयलर होती है, उन्होंने बॉयलिंग पे लगा रखा था और बच्चे ने उसे खेलते खेलते उसके पाँव शायद उस बॉयलिंग मीन्स जो भी वाटर बॉयल हो रही थी वो पूरे मीन्स टर्न होके उसके लेग पे पूरा वो मीन्स बॉयलर हॉट बॉयलर वाटर उसके ऊपर पूरे बच्चे के पैर पे गिर गया था। मैंने वो पिक देखा, मुझे बहुत ही डर गई मैं, और मैं भी फ़िलहाल यहाँ पे ये बॉयलर मैं यूज़ करती हूँ, बट मैं काफ़ी सेफ़ यूज़ करती हूँ, मैं काफ़ी हाइट पे रखती हूँ, साइड में करके रखती हूँ ताकि मेरी बेटी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। सो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान दो। अगर आपके किचन में गैस की हाइट ऊंची है तो इट्स वेल गुड, काफ़ी अच्छा है, बट हमारे यहाँ पे किचन की हाइट्स इतनी हाई नहीं है। सो मुझे ये भी चीज़ का डर लगता है कि कभी मैंने कुछ खाना बनाया, वो बर्नर यहाँ के काफ़ी हीट रहती हैं, कम से कम एटलीस्ट 10-15 में तो काफ़ी ये हीट रहती है, तो मुझे ये भी चीज़ का डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी जाते जाते ऊपर से हाथ नहीं रख दे उस पर। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है
आप उस चीज़ पे बहुत ही ध्यान दें, अपने घर के मेंबर को किसी ना किसी एक को भी बच्चे के पास ज़रूर रखें। अगर आप कोई वर्क भी कर रहे हो तो प्लीज़ 10 to 15 minutes आप छोड़ के आप उस टाइम बच्चे पे आप ध्यान दे दो, क्योंकि तो बड़े इंसिडेंट्स ना हो, आपको बाहर ना जाना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप सेफ्टी प्रिकॉशन घर में ही लो। अगर बच्चे को आप बाथरूम के लिए मीन्स टॉयलेट ले जा रहे हो तो खुद उसके साथ ही आप बाहर उसे साथ में ही टॉयलेट निकालो। ये नहीं कि बच्चे को कराया और बाहर निकल गए, बाबू आओ बाबू आओ बाबू, इतना देर में कुछ उन्हें अलग ही कहानी कर डाली। वैसे नहीं, आप खुद भी जाओ, बच्चे को साथ में निकालो, गेट लगाओ। और मैं एक पॉइंट में ये ऐड करना चाहती हूँ, अगर इन केस किसी भी चीज़ पे बच्चे की हाथ जल जाती है या कभी हॉट वाटर से कभी उनकी हाथ जल गई या किसी चीज़ से भी अगर वैसी हो जाती है या कभी हम बड़ों की भी हो जाती है, एट अ टाइम हमारा माइंड कभी काम नहीं करता कि क्या करें। और ये इंसिडेंट जब बच्चे के साथ हो जाते हैं तो उस समय तो बिल्कुल ही नहीं हमारा माइंड काम करता कि हम करें क्या। तो मैं ये चीज़ मैं आपको मैं बता रही हूँ जो मैं खुद भी कभी किया करती हूँ और कभी मेरी बेटी के साथ भी कभी इंसिडेंट के साथ भी ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती है। तो एट दैट टाइम सबसे पहले मैं कोलगेट अप्लाई करती हूँ। आपके पास जिस तरह का भी कोलगेट हो, चाहे वो रेड वाली हो या वाइट वाली हो, जो भी हो, आप उस टाइम पे वो कोलगेट उस बर्न एरिया पे आप अप्लाई करो। कुछ मिनट्स के बाद मीन्स 2 to 3 minutes के बाद वहाँ पे बर्न एरिया पे मीन्स जो जलन होती है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगी। आप बर्निंग एरिया पे कभी भी वाटर यूज़ मत करना, सो दैट वहाँ पे और वो जो मीन्स काफ़ी वो इफेक्टेड हो जाएंगी, वो और बढ़ जाएंगी। सो आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उस जगह पे आप कोलगेट ही अप्लाई करो, नॉट एनी एंटीसेप्टिक क्रीम। बर्निंग की क्रीम अलग आती है, आप मेडिकल शॉप से आप वो बर्निंग क्रीम आप लो, उसे आप यूज़ करो। जब मेरी डॉक्टर की यहाँ पे फ्रैक्चर हो गई थी तो मैंने उसे जब आफ्टर मीन्स 2 or 3 days जब मैंने यहाँ पे बैंडेज उसकी खोली तो मैंने उसे बोरोलिन अप्लाई किया था। उसके बाद उसने ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसके पिंपल्स से वहाँ पे निकलने शुरू हो गए। फिर हमने सोचा कि नहीं, हॉस्पिटल जाना ही बेस्ट है। उस टाइम ये कोरोना का इतनी इफेक्ट नहीं थी, सो हम लोगों ने रिस्क लेके उस टाइम गए कि इसकी ये आइज की बात है, ये इतनी मीन्स स्वेलिंग्स भी काफ़ी है और ये पिम्पल्स भी अचानक स्टार्ट हो गए। सो बेसिकली अगर वैसी कुछ अगर प्रॉब्लम अगर जल जाती है, कुछ हो जाती है, तो आप उस जगह पे कोलगेट अप्लाई करना। आप खुद ही देखोगे कि वो जलन काफ़ी ख़त्म हो जाती है उस जगह पे। मीन्स ये अनप्लान्ड वीडियो थी, बट मैंने काफ़ी चीज़ें मीन्स मैं सोशल नेटवर्किंग पे मैं कुछ किसी जगह पे मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पे भी मैंने कुछ रीड किया। मीन्स हमारे इंटर्न फ्रेंड से भी बात हुई, कुछ यहाँ के फ्रेंड से भी बात हुई, मैंने काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे सुनी और साथ मेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने इन सभी चीज़ों को सोचते हुए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो मैं बनाऊँगी। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल रहा हो। सो बी अलर्ट और घर में ही ज़्यादातर रहने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ आप लाइक करो और शेयर करो इन वीडियोस के काफ़ी मॉम्स के पास, सो दैट इन्हें भी ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस सब्सक्राइब पे आप क्लिक करो, विजिट करो मेरे चैनल्स को। जिन्होंने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल्स को, और साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी हिट करो, सो दैट यू गेट माई ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ़।